हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली विद इजिप्शियंस। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा तरीका जो कि आपके फेस की डार्कनेस, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स है, जो एकदम छोटे छोटे दाने निकल आए हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, मुहासे की प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा दाग धब्बे निशान नजर आते हैं, स्किन बहुत डल है, बेजान है, तो ऐसे में आपको कोई भी ना तो क्रीम यूज़ करनी है, ना ही आपको कोई सोप, आप कोई भी कुछ भी ऐसा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको जो टिप शेयर करने वाली हूँ, कमाल का बहुत ही जादू ही तरीका है, इसको अगर आप एक बार फॉलो कर लेती हैं तो ट्रस्ट मी, आपको बहुत ही अमेजिंग वंडरफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये जो तरीका है उसको जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे ये जो टिप्स हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने फेस को करना है स्टीम। सबसे पहला, स्टीम करने से पहले कुछ टिप्स और फॉलो करने हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको करना है अपने फेस की क्लींजिंग। ओके, क्लींजिंग करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कच्चा दूध। कच्चा दूध, अगर कच्चा दूध नहीं है, मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन है कि आप कच्चा दूध लीजिए, कॉटन को डिप कीजिए, अपने पूरे फेस को वाइप कर लीजिए, तो ये आपके फेस की काफ़ी अच्छे से क्लींजिंग करेगा। जो भी डर्ट है, धूल है, मिट्टी है, गंदगी है, आपका थोड़ा बहुत मेकअप रह गया है, तो ये उसको एकदम रिमूव करने में हेल्प करेगा। इस क्लींजिंग करने के बाद आपको क्या करना है, सेकेंड ऑप्शन फॉलो करना है जो है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है यहाँ पर थोड़ा सा राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा। चावल का आटा सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्किन को स्क्रब करने के लिए। आप चाहें तो आप चावल के आटे की जगह पर कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें आप ऐड कर लीजिए थोड़ा सा कर्ड, यानी कि दही। अगर दही नहीं है तो आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों ही चीज़ नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं, और इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और फिर उसके बाद अपने फेस पर अप्लाई करके आप इसको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से स्मूथली आपको स्क्रब करना है। बहुत सा थिक पेस्ट मत बनाइए, हल्का सा आपको ये पतला ही रखना है, और उसके बाद अपने फेस पर अप्लाई करके आपको ये जेंटली स्क्रब करना है अपने फेस को, अपनी नेक को। इससे क्या होगा कि स्किन में जो भी डेड सेल्स जमा हो जाती हैं, मृत कोशिकाएँ जमा हो जाती हैं, तो ये उनको रिमूव करेगा। मृत कोशिकाओं के जमा होने की वजह से स्किन काफ़ी डल दिखती है, स्पॉट्स नज़र आने लगते हैं, स्किन काफ़ी एकदम काली और बहुत ही मुरझाई हुई दिखने लगती है, तो ये उसको डलनेस को दूर करने में हेल्प करेगा, मृत कोशिकाओं को रिमूव करता है, और स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करेगा। इसके अलावा स्क्रबिंग करने से स्किन में जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर एंड बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है अपने फेस को स्टीम। स्टीमिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं, एक्ने की प्रॉब्लम है, मुहासे की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आप अपने फेस को कीजिए स्टीम। तो जो स्टीम करना है, यही सबसे मेन पॉइंट है मेरे इस वीडियो का, इस पर आपको फोकस करना है, और वो ये है कि स्टीम करने के लिए आपको लेना है एक बाउल, जिसमें आपको लेना है क्लियर वाटर यानी कि पानी, और इसमें आप ऐड कर दीजिए जीरा। करीबन आपको इसमें एक या दो चम्मच, एक से डेढ़ चम्मच आपको जीरा ऐड करना है। उसको अच्छे से आप बॉईल कर लीजिए, गर्म कर लीजिए, और ये जब खूब अच्छे से गर्म हो जाए तो आपको अपने फेस को स्टीम करना है। गैस को ऑफ कर दीजिए, अपने फेस को स्टीम कीजिए, मतलब अपने फेस को आपको भाप देनी है। भाप देने से क्या होगा, आपके फेस के जो स्किन का जो कोलेजन है उसको बूस्ट करेगा। जब स्किन में कोलेजन इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से स्किन काफ़ी ग्रो करती है, काफ़ी स्पॉटलेस दिखती है, दाग धब्बे दूर होने लगते हैं, मुहासे, पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। इसके अलावा ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बरकरार रखेगी, और भाप देने से स्किन के पोर्स की काफ़ी अच्छे से सफाई हो जाती है, बैक्टीरियाज वगैरह रिमूव हो जाते हैं, जो पिंपल्स एक्ने पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म करेगा। और जीरा वाटर की जो भाप होती है, अगर आप सिर्फ कोई भी नुस्खा, कोई भी चीज़ आप ट्राई मत करो, सिर्फ और सिर्फ इस भाप का इस्तेमाल कर भी लेते हो ना, तो आपको इस अकेले भाप का इस्तेमाल करने से आपके स्किन पर जो रिज़ल्ट मिलेगा बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होगा। एक बार आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिए, फिर देखिए कितना कमाल का रिज़ल्ट मिलता है।